क्यों रोहिणी को कॉल मिला रही हो? क्या कहोगी उसे कि तुम कौन हो? तुम तो वो रही नहीं जो जो तुम थी। बकास अहमद की बेटी, तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं रही। ये बताओगी उसे? क्या कहेगा वो? मैं तबीयत कैसी है बेटे? क्यों आए यहां? तुम देखने आया था। तुम्हारे मुंह से बाबा सुनना चाहता हूं। कौन बाप? वो जो मुझे छोड़ के चला गया था। जो सारी जिंदगी मुझे मेरी माँ का कातिल समझता रहा, वो बाप? बाबा कहलाने के लायक हैं आप? मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुशरिक नहीं, लेकिन बेटा उस वक्त तुम्हारी माँ की मौत मुझे हिला के रख दिया था। मुझे कुछ होश ही नहीं था। मैं अपने गम से जान छुड़ाना चाह रहा था। तुमसे नहीं भाग रहा था, शायद मैं खुद से भाग रहा था बेटा। मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। माफ कर दो, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। और मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है। कल तक जिसे मैं अपना बाप समझती थी, आज वो मेरा बाप नहीं है। क्या कह के लोगों को तारुफ करवाऊंगी खुद का? कल मेरा बाप वो था, आज मेरा बाप ये है। बेटा, तुम्हारे तारुफ के लिए यही बात है कि तुम खान की बेटी? नहीं, मैं मीरब हूं, वर कोई नहीं। पर अब चले जाइए यहां से। मुझे शक्ल नहीं देखनी आपकी। मैंने सब कुछ करके देख लिया। रो के, गिड़गिड़ा के, भाग के, सलियां देके, सब करके देख लिया। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, मरना। नहीं बेटा, बेटा ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने कहा चले जाइए आप यहां से, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। मैं जा रहा हूं, नहीं कर सकता बेटा। मैंने कहा जाइए। अच्छा,
आता हूं। कहां जा रहे हैं आप? नीरव के पास। मत जाए। क्यों? भाभी बेगम ने मना किया है ना। आइए आइए भाभी बेगम, आइए बैठो। वकास अहमद, बात करनी है तुमसे कुछ। जी हुकुम भाभी बेगम। तुम ये तो मानते हो ना कि मैं खानदान के बड़े बड़े फैसले करती हूँ, बड़े बड़े झगड़े निपटाती हूँ। मेरे फैसले सही होते हैं। अगर कोई फैसला गलत हुआ हो तो बता दो मुझे। हरगिज नहीं भाभी बेगम, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। आप हमारे खानदान की बड़ी हैं, मेरे अजीज दोस्त की बेवा हैं आपके लिए। मेरी तरफ से सिर्फ एहतराम है। तो फिर जो कहूंगी वो किसी मसलहत के तहत होगा, और उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे, बुरा नहीं मानोगे। अब और क्या बुरा होगा मेरे साथ? अपनी इतनी प्यारी बेटी से दस्तबरदार होना कोई छोटी बात तो नहीं है। जब वो सब मैं सह लिया तो बस फिर और क्या। जानती हूं, तुम्हारे दर्द को भी समझती हूं, लेकिन कुछ फैसले वक्त के तकाजे के मुताबिक करने पड़ते हैं। आप कही है भाभी बेगम। देखो मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें और अनिला को कराची वापस चले जाना चाहिए। देखो मुझे लगता है कि तुम्हारे यहां मौजूद होने से मीरब अनवर को अपना हकीकी बाप तस्लीम नहीं करेगी। कल को उसकी शादी मुर्तसिम से होनी है और यही उसका घर है। मैं चाहती हूं कि वो मुझे, इस घर को और मुर्तसिम को अपना बना ले, अपना समझे, ताकि उसे आसानी हो। समझ रहे हो ना? जी भाभी बेगम, हम चले जाएंगे। ठीक है, मीरब अभी सो रही है। मैं चाहती हूं कि तुम उसके उठने से पहले चले जाओ, ताकि उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। मेरा ख्याल है तुमने बुरा नहीं माना होगा। आपका हुक्म सर आंखों में भाभी बेगम। हम अपनी मीरब को इस तरह अकेले अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जाना होगा हमें। मगर वकास साहब, मैंने कह दिया ना कि जाना होगा। मीरब की बेहतरी के लिए जाना होगा हमें। जल्दी चलो, कहीं वो उठ ना जाए। एक मर्तबा मैं अपनी बच्ची को देखूं, आखिरी मर्तबा। पता नहीं बाद में इतना हो या ना, मैं मिलकर आ रही हूं। ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं उसे मजीद रोता हुआ नहीं देख सकता।
मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है मुत्तसिम। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ एक। आपको खुद पता है कि मुझे कितना शौक है वकील बनने का। चलो एक दो दिन और इंतजार कर लेते हैं। अच्छा चलें हम एक दो दिन इंतजार कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल उनकी तरफ से इनकार हो गया तो तुम्हारा बाप है ना, वो सबको मना लेगा। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है मगर उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। जब से आए हैं आप यहाँ बैठे हुए सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं, खाना भी नहीं खाया आपने। अनिला मैं मीरब के बगैर यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी यादें तो मुझे एक मिनट के लिए भी सुकून से बैठने नहीं देंगी। देखो हर जगह हर कोने में उसकी हंसी उसकी बातें, उसका बाबा कहकर मेरे गिन बाहर डाल देना। मेरे प्यारे प्यारे बाबा का तो क्यों छोड़कर आए थे मेरी बेटी को? ये दोस्ती खसारे का सौदा हुई। दोस्ती से अच्छी तो दुश्मनी थी। इतना दुख खुशी देकर ले लेना, कैसे जिएगा कोई?
मुझे कराची ले चलो। जाकर चाचा साहब से कहो मुझे तुम्हारे साथ जाने। क्यों? तुम मुझे लेकर जाओगे तो वापस भी ले आओगे। जब तुम उन्हें अपना माँ बाप ही नहीं मानती क्यों जाना है? बस आखिरी दफा मिलना है। और वो क्यों? याद आ रही थी मिलकर वापस आ जाऊंगी। नहीं जी माँ। ये हया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। माँ यहीं होती है, आपको नजर नहीं आती। नजर नहीं आ रही या नजर बचाकर कहीं बैठ गई है? माँ आपने भी तो उसे थप्पड़ मार दिया। तो क्या हुआ? मैंने पाला है उसे, अगर फजूल बातें करेगी तो फिर। माँ वो मुर्तसिम भाई से। और तुम? लगता है तुम भी उसके नक्शे कदम पे चल पड़ी हो। नहीं माँ, मैं तो बस बात कर रही थी। फजूल बातें मत करो। उसने गलत बात की तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, तुमने कोई ऐसी बात की तो तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। जी और जाओ जाकर देखो मीरब ने खाना खाया या नहीं खाया। उसके पास बैठा करो, उसका ख्याल रखा करो, उसे बहलाया करो। ये खामखा हया के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। जी। क्या जी? माँ मैं जाती हूँ मीरब के पास खाना लेके। मेरा भाई है शायद। कहाँ गई? कुछ नहीं पता माँ, बेगम पूरे घर में ढूंढवा लिया, मेरा कहीं नहीं है। भाग गई होगी। तुम तो चुप रहो। मैं तो चुप ही हूं। मैं क्या कर रही हूँ? जो कर रही है वो मीरब कर रही है। दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। होगी तो करेंगी ना। और वकास चचा, नीला चची, लाख उसके माँ बाप ना हो, कितने साल गुजारे हैं उसने उनके साथ। तुम कहना क्या चाहती हो? वकास चचा और नीला चची चले गए, मीरब को साथ नहीं लेकर गए, इसलिए मीरब उनके पीछे गई। और उसकी मदद किसने की? माँ बेगम मैंने कुछ नहीं किया। फिर तुम्हें कैसे पता है कि वो वहां है? अंदाजा है मेरा, और कहां जाएगी? कौन लेकर गया उसे वहां? कौन? मुर्तसिम। मुर्तसिम लेकर गया है उसे। फोन भी नहीं उठा रहा मुर्तसिम। मुर्तसिम? बाबा दरवाजा खोले ना, देखे ना मैं घर वापस आ गई हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पे।
अब इस लड़की की रातों को भी पहरेदारी करनी पड़ेगी कि कहीं भाग ना जाए। भागी नहीं है, भागी नहीं, आपका बेटा लेकर गया उसे। मुर्तसिम ऐसा क्यों करेगा अपनी तरफ से? मीरब ने कहा होगा और ये साहब चल दिए होंगे। बहरहाल तुम वकास को फोन करके देखो कि अभी तक वही है क्या। मामा, मामा दरवाजा खोले। मीरब को देखती हूँ। आओ कस, अगर मीरब वहां पहुंचे तो उसे वापस भेज दो। भाभी बेगम काफी परेशान हो रही है उसे लेकर। मामा दरवाजा खोले, बाबा दरवाजा खोले ना, मैं मीरब आई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। विकास क्यों रुक गए? चले खोले दरवाजा। मामा, मामा यहाँ पे दरवाजा खोले। मामा मैं आप लोगों को देखने के लिए आई हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। बाबा दरवाजा खोले ना, सिर्फ एक दफा दरवाजा खोल दे, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। दरवाजा खोल दे प्लीज, प्लीज खोल दे दरवाजा। सारी जिंदगी आप लोगों ने मुझे कितना प्यार किया, एक दफा आखिरी दफा आप लोगों की शक्ल देखनी है मुझे। मुझे पता है आप लोगों को मेरी आवाजें आ रही हैं, प्लीज दरवाजा खोल दे, एक दफा मुझे मिलना है, एक दफा मुझे आप लोगों को देखना है। मैं वापस चली जाऊंगी, मैं तंग नहीं करूंगी आप लोगों, प्लीज प्लीज एक दफा दरवाजा खोल दे। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा मीरा। क्यों नहीं खुलेगा दरवाजा? वो मेरे बाबा हैं, मुझ पे दरवाजा नहीं बंद कर सकते। मैं वाहिद हूँ जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते। तुम देखना वो मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खोल, बस एक दफा दरवाजा खोल दे। मैं आप लोगों को देखूंगी, आप लोगों से मिलूंगी, फिर चली जाऊंगी। प्लीज आप लोग ही मेरा बाहर खड़ी हुई, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है दरवाजा खोल दे। मेरा क्या कसूर है? दरवाजा खोल दे। कोई बाप भी अपनी बेटी पे दरवाजा बंद करता है। ये तो मेरा घर था, बचपन से मेरा घर था। बस ये आखिरी दफा आप लोगों का चेहरा देखूंगी, फिर चली जाऊंगी। दरवाजा खोले, मुझे पता है आप लोगों को मेरी आवाजें आ रही, आप लोगों को मेरी आवाजें आ रही है। दरवाजा खोल दे प्लीज, आखिरी दफा दरवाजा खोल। क्या हुआ? मुर्तसिम फोन नहीं उठा रहा? फोन ऑफ कर दिया मुर्तसिम ने। एक दफा फिर कोशिश करो। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा मीरा। मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी?
तुम मेरे घर चलो। दरवाजा नहीं खोल उसके क्या करोगी? सुबह होने वाली है। मुझे नमाज पढ़नी है। यहाँ गाड़ी रोको।
मुझ पर जो बीती है उस गम को तेरे सिवा और कोई नहीं जान सकता है अल्लाह। मेरा सबने साथ छोड़ दिया, बस मुझे बेसहारा ना करना। मेरी सबने उम्मीदें तोड़ दी, सिर्फ एक तुझसे उम्मीद है। मुझे हिम्मत देना कि मैं साबित कदम रहूं। सबकी सुनता है बेटी, जो हुआ वो भी ठीक हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। उसने सुन ली है। कौन है जो सुनता है उसके सिवा? कौन है जो रहम करता है उसके सिवा? वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी हाथ नहीं छोड़ता, वो सुन रहा है। उसने सुन ली है। ये लो, ये धागा लो। यहां धागा बांधने से मुरादें पूरी हो जाती हैं, बिछड़े हुए मिल जाते हैं। Yeah.